देखिए हमने यही कहा था कल कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया, और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और स्त्री दोनों महिला अगर शादी हो गई, अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि दो है, तो हमने तो यही कहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमने छोड़े हुए हैं, क्या कहा है इसको लेकर के बड़े पैमाने पर मेरे खिलाफ लिखा जा रहा है। हमने तो जो भी कहा है, आप जानते हैं कि हमने यहाँ महिलाओं को पढ़ाने की बात ज्यादा बढ़ाई, और हम बार बार आपको यही बताए हैं कि महिलाएं कितनी कम पढ़ पा रही थी और उनकी संख्या हमने बढ़ाई। और हमने उस समय कहा था कि आप जान लीजिए कि हमने ये बताया था कि अगर शादी में अगर बीच में आप बोलने लगते हैं, देखिए हमने यही कहा था कल कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया, और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, अरे आप लोगों नीचे कीजिए, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और जब पता चला कि साहब अगर पुरुष और स्त्री दोनों महिला अगर शादी हो गई, अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि दो है, और बिहार में भी उसका जानकारी लिया गया कि अगर थोड़ा सा नीचे कर लो भाई, थोड़ा लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो उसका भी दो, और अगर जो देश भर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की मैट्रिक के आगे इंटर और आगे है तो उसका प्रजनन दर देश का आया 1.7, और बिहार का आया तो वहाँ के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा, और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया, और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया, तो हमने तो यही कहा है हम तो महिलाओं के उत्थान के लिए, और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापिस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं किसी का मैं कोई मेरे खिलाफ भी करेगा
तो मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता। अगर मेरी कोई बात नहीं लगी है मैं इसको वापस करता हूँ और मैं दुख प्रकट करता हूँ। बाकी लोगों का अभिनंदन ही करता हूँ। और बाकी समझ लीजिए हमने तो महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। ठीक है सर, समाज हित में सर, ये समाज हित में ही सर बिल्कुल लागू होना चाहिए। अब तो हम देखिए हम लोगों ने जो बिहार में इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया कि पहले 50% था और केंद्र ने 10% अपर कास्ट के लिए किया, तो हमने कहा कि वो ठीक है, हम लोग सब उसको स्वीकार है, ठीक ही किया है। लेकिन उसके बाद और ये पहले से ही तय है, हम बार बार कल को बोल रहे थे कि पहले से तय है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब परसेंट, तो 50% में अब संख्या बढ़ी है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, तो इसको लेकर के उसकी संख्या बढ़ेगी 100% का, तो बाकी लोगों की संख्या और घट जाएगी। इसलिए हमने कहा इसको 50 की जगह कम से कम 65 अगर कर दिया जाए और 10 तो पहले से 50 10 60, तो अगर 65 कर दिया जाए तो 65 10 75 हो जाएगा। ये हम लोगों ने कहा पिछड़ा अति पिछड़ा के उत्थान के लिए किया और महिलाओं के उत्थान के लिए तो जितना काम बिहार में किया गया है आप बताइए कितनी लोग प्रशंसा करता है। तो जब हम पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।